शाबाश बेटा। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप जब इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हैं और आई गए हैं चैनल पे, तो थोड़ी बहुत वीडियो देख भी लो, क्योंकि क्या पता कुछ काम का मिल जाए। मैं अपने इस वीडियो को नाम दिया हूँ एक्सीडेंटल ब्लॉग। एक्सीडेंटल ब्लॉग मतलब क्या है ये? आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पागलपंती है, कुछ भी लिख दिया है। तो दोस्तों, ना ही मैं कोई ब्लॉगर हूँ और ना ही ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक। तो हुआ क्या है कि जब मैं घूम रहा था तो मेरे मामा ने बोला कि कुछ बोलो तुम इसके बारे में। मैं भी सोचा यार, इतनी तो भाषण कहीं ना कहीं देते रहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी ट्राई करके देखा जाए। तो वहाँ से मैं वीडियो ये बनाना शुरू कर दिया। तो पहले ये वीडियो हमारी सारी लैंडस्केप बन गई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब इसको क्या करें। फिर मामा बोले कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर हमने इस वीडियो को पोर्ट्रेट फिर बनाया है। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट मेरे मामा को जाता है और एक उनके फ्रेंड है उनको जाता है। तो आप इन दोनों लोगों को मैं अपनी वीडियो का पूरा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ना ही मैं ये घूम पाता और ना ही ये वीडियो शूट हो पाता। तो चलिए दोस्तों, देखिए वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आंटी यहाँ पे कुछ पीस रही है। सीता माता भी ऐसे पीसती होंगी जैसे ये आंटी पीस रही है इस टाइम पे। तो ठीक, दवा के लिए पीस रही है ये दवा। आंटी का कुछ होगा तो उनके लिए ये दवा अपना बना रही है। सीता माता के जैसे ही ये माता भी, दर्द कर रही है, ये माता भी अपना दवा बना रही है। मेरा वायरल हो रहा है नहीं क्या भैया, वायरल कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये कुआं है शायद इस टाइम। सीता माता जो है, सीता माता जो है वो यहाँ पे पानी वानी भरा करती होंगी। वो जो भी उनका काम होता होगा पानी का, वो निकाला करती होंगी। यहाँ पे देखिए लोगों ने यहाँ पे भी अपने मन से मांगने के लिए बहुत सारी फूलें सजाई हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ उस टाइम पीरियड में अपने घोड़े को बांधते होंगे। तो ये सारी चीजें यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो चलो आइए। यहाँ भी लोगों ने अपनी मन्नत मांगने के लिए एक रूम बना हुआ है। मतलब उस टाइम पीरियड का ये योगा स्थल, मतलब अगर उस टाइम पीरियड में ये पत्थर नहीं लगे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे इस पत्थर को लगाया गया है ताकि ये चीज़ें सुरक्षित रहें, आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ यहाँ पे कोई रहता है। तो ये वाल्मीकि जी का योग आश्रम है। यहाँ पे ये उस टाइम पीरियड का ये जो हवन कुंड है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा हवन कुंड है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग हवन किए होंगे। और यहाँ पे लिखा है 88,000 ऋषियों द्वारा वाल्मीकि शिवेश हवन का रेखी कुंड है। मतलब यहाँ पे हवन किया गया है। और अगर देखा जाए तो लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो जन्म स्थली ये है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लव कुश का जो है वो जन्म स्थली है, यहाँ पे वो जन्म लिया है। अगर हम इधर बाकी जगह घूमने वगैरह तो इनका झूला वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आगे अभी हम चल रहे हैं तो आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या चीजें हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही दोस्तों। ये कितना खाई है, मतलब आप देख सकते हो नीचे। अगर यहाँ से कोई गिरेगा तो मरेगा तो नहीं, लेकिन हाथ पैर जरूर टूट जाएगा और छील भी पूरी तरीके से जाएगा। अभी हम लोग यहाँ नीचे हैं, अभी और नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। अलग अलग तरीके जगह पे नदी ने अलग अलग वो बेल्ट बनाया हुआ है, कहीं तो खाई है तो कहीं ऊंचाई है, ऐसे करके। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ से कुछ टाइम पीरियड पहले अगर देखा जाए तो नदी बहती होगी। तो ये सारी नदी की ही ऐसे, नदी ही ऐसी आकृति दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो है देखते हैं ये हमारा क्या चीज़ है। दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये वाल्मीकि का है। वाल्मीकि आश्रम में जो ऋषि है वह यहाँ पे लव कुश को शिक्षा दीक्षा दी जाती होगी, वो चीज़ है।
और यहीं पे वो अपना जो बचपन है वो बिताए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आके कुछ भी लिख लिख जाते हैं, जो कि आपको पता ही है कि हर जगह की है कि कोई ना कोई कुछ भी लिख के चला जाता है। यहाँ भी अपनी प्रेम कहानी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, कुछ भी। तो अभी हम आगे चलते हैं तो आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी मन्नतें मांगते लिए यहाँ पे अपना अपना घर बनाए हुए हैं, या फिर जो भी सोच है वो बनाए हुए हैं। चलिए, मुझे कुछ मांगना तो नहीं है लेकिन मैं भी बनाऊंगा और देखता हूँ मैं कितना ऊपर तक बना लेता हूँ। तो आइए हम पत्थर की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए किसी का घर तोड़ना नहीं है, जो यहाँ पे बिखरे हुए पत्थर हैं उन्हीं को इकट्ठा करना है। तो अभी मैं कहूँ देखा पत्थर देखते मैं बनाता हूँ अपना। पहला एक, दूसरा एक, भैया मदद कर रहे हैं बनाने में, व्यक्ति गिर जाएगा। अगर बड़ा बड़ा पत्थर रहता है तो बड़ा बड़ा बनता है, छोटे छोटे पत्थर है तो ज्यादातर गिर जा रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं वो बने हैं, पहले बड़ा पत्थर ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ढूंढ ढूंढ के हम बड़ा बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये है झूला, अगर देखा जाए तो ये झूला है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। ऐसा भी है कि लॉक जो थे वो ऐसे ही डालियों पे उस टाइम पीरियड में झूला 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 करते थे। जैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि किस झूले पे वो झूला झूलते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डालियाँ ऐसी हैं कि जो झूले की आकृति की है। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि यहीं पे वो लोग झूला वगैरह झूला करते थे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पे आके झूला झूलते हैं। देखिए हमारे भैया हैं जो, ये भी झूला झूल रहे हैं, नीचे खड़े झूला झूल रहे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो झूला झूलते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को आप देखिए नीचे कितनी भुरभुरी हो चुकी है। मतलब ये सारी मतलब चप्पलों के निशान हैं, और यहाँ पे आते जाते जो लोग हैं उनसे उनका ये प्रमाण मिलता है। अभी मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत झूला झूल लेता हूँ भैया के झूलने के बाद। झूला झूलने पर धक्का दो ना, गुद गुद। ऐसा झूला है जो आगे पीछे नहीं हो रहा है, इतना भारी होने की वजह से हल्का तो लगता नहीं। ये देखिए देसी झूला एकदम बिल्कुल। अरे लोग कुछ ऐसे ही झूला झूलते होंगे पहले, तो आखिर उस टाइम पीरियड का मजा मैं आज ले रहा हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।